अरे ये क्या कचरा कर रखा तीनों? अच्छा तुम्हें ही आता ना, सिर्फ तुम ही बना लो। बिल्कुल आता, बना रही हूँ। चलो हटो यहाँ से, तुम्हारे बस का नहीं है। अब बस का नहीं है तो प्लेन का या ट्रेन का तो हो ही सकता है। छी, कितना गंदा पीजे मारते हो। मैं तो सिर्फ पीजे मारता हूँ, तुम तो लाते घूसों से मारती थी, याद है कुछ? सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूली हूँ मैं। ऑपरेशन के बाद याददाश्त नहीं गई थी मेरी, याद है? हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने क्लॉट निकाल के उसकी जगह पर सुतली बॉम्ब रख दी है। और वो भी इसकी सुतली जला के। इसे पंगा मत, तो कभी भी धमाका हो सकता है। अच्छा, दशहरा के दिन दिवाली? जी हाँ, और फुलझड़ी और पटाखों की जगह तुम। अगर आप दोनों का ये न्यूक्लियर बॉम्बिंग खत्म हो गया तो रंगोली पे ध्यान दे। हाँ, अभी और भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, प्लीज हरी अप। हाँ ठीक है, तुम ही बना लो। रंगोली बनाइए, लाइए शगुन दीजिए, पूरी की पूरी जेब खाली कर दीजिए, दीजिए। अब सही कह रही है नायरा, 3 घंटे से रंगोली बना रही है बेचारी। अरे हम भी। हाँ तो शगुन ना सही, मेहनत आना समझ के दे दीजिए। दे दो शिलेश, लेना छोटों का हक है और देना बड़ों का फर्ज। आप और बड़े समझे ये बात तब ना। अरे बाप रे, नहीं नहीं चाचू, पूरी गड्डी नहीं चाहिए। आशीर्वाद चाहिए, इतना काफी है। चिंता मत कर नेहरा, पहला वाला अखिलेश नहीं रहा जिसे पैसे पैसे के लिए किसी और का मुंह देखना पड़ता था। जो दे रहा हो रख लो, अपनी खुशी से अपने हिस्से का दे रहा हूं। चाचू प्लीज, आप ये कल जो मैंने कहा था उसके लिए I'm very sorry, गलती से मुझसे निकल गया, पर आज सोच समझ के कह रहा हूं ये रंगोली ठीक से नहीं बनी। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, तुम जो कहना है कहो, गुस्सा करो, झगड़ा करो, लेकिन कम से कम ये तो मत करो, दिल पे छुरिया तो मत चलाओ। मैं कब से लकीरें मिटने का इंतजार कर रहा हूं, तुम नई लकीरें बनाते जा रहे हो। ऐसा मत करो मेरे भाई। इसके अलावा और कोई बात करनी हो तो वो कीजिए मिस्टर गोयनका, वरना जाने दीजिए। क्योंकि मुझे अब इस बात में और कोई इंटरेस्ट नहीं है। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। Please, somebody.
ये क्या हो रहा है हमारे साथ? जो जो सपने में भी कभी नहीं सोचा वो सब कुछ हो रहा है। ये कौन सा नया इम्तिहान ले रहे भगवान जी आप? प्रीति क्या करें आप? नाश्ता क्यों नहीं करें? खा तो रही हूँ। चॉकलेट क्यों खा रही हैं? कुछ हेल्दी खा लीजिए ना, वो फ्रूट्स खा लीजिए। चॉकलेट क्यों नहीं? अरे वो चॉकलेट खाने से कुछ हेल्दी और फ्रेश खाइए। मैं लेकर आता हूँ, एक सेकंड। ओह गॉड, मेरा 4 kg वजन बढ़ गया है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अभी से ये हाल है तो प्रेगनेंसी के लास्ट तक तुम तो ड्रम बन जाओगी। तूने कितना वेट गेन किया कीर्ति? कीर्ति ये खाइए, नेचुरल शुगर। नितेश तो मुझे मीठा छूने तक नहीं देता था कि मोटी हो जाऊंगी। आजकल बीवियों से ज्यादा हस्बैंड को डर रहता है फिगर खराब होने का। मैं 2 मिनट में आया। क्या आप अपना वाला काढ़ा बना देगी कीर्ति के लिए? और प्लीज उसे कन्विंस कर दीजिएगा ताकि वो पी ले। मैं नहीं चाहता कि मेरी डायबिटीज मेरे बेबी को भी। तुम क्यों नहीं बात करते उससे? समझ जाएगी वो। नहीं दादी, मैं नहीं चाहता कि वो डर जाए और पैनिक करे। और रेडी वो चाचू वाली बात को लेकर काफी परेशान है। मैं बात करती हूँ उससे। वाओ, मैं बता नहीं सकता तूने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। आई मीन ऑनेस्टली, मगर इसकी जरूरत क्या थी? कुछ दिन बाद तो मैं वैसे भी एक नई गाड़ी खरीदने ही वाला था, फिर तूने क्यों? दशहरा गिफ्ट? पागल है क्या? इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कौन देता है? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, रियली। भाभी ना पागल है ये। भाई ये कौन हो सकता? नहीं तो ये इतनी महंगी कार या तो कोई अपने को दी जाती है बहुत प्यार से, या फिर किसी को अपना बनाने के लिए रिश्वत में। यहाँ क्या रीजन हो सकता है? पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई है कौन। मैंने तो पहले किसी अंकल के बारे में नहीं सुना। शहर में किससे सुनता था और घरों के तो ऐसा लगता था कैसे हो जाता है ऐसा, भाई भाई के बीच में पैसा आ कैसे जाता है? कभी सोचा नहीं था कि अपने घर में सब देखने को मिलेगा। नहीं नहीं मनीष जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश जी पैसों के लिए ऐसा कुछ करेंगे। वो सिर्फ हर्ट है। पैसा, पावर पोजीशन, इसी के लिए हर्ट होता है ना आदमी। तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर वो मेरी मानने को तैयार क्यों नहीं है? कितनी बड़ी गलत फहमी होती है लोगों को। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर पैसा है उनके पास तो वो सब कुछ कर सकते हैं। अब तो ऐसा लगने लग गया है कि सारे झगड़े सारे दुखों का कारण ही ये पैसा है। अलग होके कोई थोड़ा सुखी हुआ है मनीष जी? साथ रहते तो एक दूसरे की हिम्मत और ताकत बने रहते, अलग होके तो कमजोरी हो जाता है इंसान और बाकी लोग उनके कमजोरी का फायदा ही उठाते हैं। ये बात उसे कैसे समझाऊं माँ? क्यों वो ये बात नहीं समझ पा रहा है कि हम सगे भाई हैं? सगे भाई कभी अलग नहीं हो सकते। पापा, आपका कोई और भी भाई है, कोई कजिन या? दादी, आपका कोई और बेटा है क्या? नायरा, ये क्या बात कर रही हो तुम? आई मीन, कोई और है क्या ऐसा जिसे चाचू भाई बुलाते हो? कोई कजिन, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई भी? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई याद नहीं आ रहा दादी। कोई नहीं है, अखिलेश का सिर्फ एक ही भाई है और वो है मनीष। वो मैं हूँ बस। बहुत ज्यादा हार्ट है, शायद इसलिए ऐसे रिएक्ट कर दिया। हाँ, बहुत प्यार करते ना चाचू से, इसलिए शायद संभाल नहीं पाए खुद को। वैसे कार्तिक, तुम किस भाई के बारे में बात कर रहे थे? चाचू बात कर रहे थे किसी भाई से, आपको कोई आइडिया है कौन? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। कौन है ये भाई और कैसा दिखता है ये? देखा नहीं हमने, सिर्फ सुना। चाचू फोन पे बात कर रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे कार गिफ्ट करने के लिए। कार गिफ्ट?
हाँ पता नहीं ऐसा कौन भाई है जो ऐसे महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है चाचू को। माफ कीजिएगा मां, बहुत स्वार्थी है, अपने फायदे के लिए आपको कष्ट दे रहे हैं, लेकिन आपके अलावा हमारा कोई सहारा भी तो नहीं है। रस्म के हिसाब से स्थापना के 9वें दिन हमें आपको विदा कर देना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं कर रहे। क्योंकि आप हमारी शक्ति हैं, अगर आप चले जाएंगी तो कैसे लड़ेंगे हम इस मुश्किल से। आपको साक्षी मानकर हम दोनों ने कसम खाई थी कि इस घर का बंटवारा नहीं होने देंगे, और आपको लकीर बनाया था क्योंकि हमें पता है आप जहाँ हैं वहाँ कभी भी बुरी शक्तियाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। एक घर में स्थापना की थी आपकी, और एक ही घर से विदा करेंगे, दो टुकड़ों में बटे हुए घर से नहीं। बस थोड़ी देर और रुक जाइए माँ, अपने बच्चों की इस गलती को माफ करके उनका साथ दीजिए। माँ बच्चों की कोई बात नहीं डालती, आप भी नहीं डालेंगे हमें पूरा विश्वास, इसलिए बहुत हिम्मत करके ये बात कह रहे कि भूल चुक माँ कीजिएगा। माँ आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।